नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पीड़ित पत्रकार सुरेश उपमन्यु से कप्तान ने मुलाकात कर जाना हाल, जल्द दोषियों की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। उसी कला के पत्रकार सुरेश उपमन्यु पर सट्टा माफियाओं द्वारा किए गए प्राणघातक हमले के मामले में सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गंभीर रूप से घायल पत्रकार सुरेश उपमन्यु से मुलाकात कर उनका हलचल जाना और उन्हें निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों को जेल भेजने का भरोसा दिलाया। इस दौरान सुरेश उपमन्यु के भाई लखन शर्मा के साथ लेकर पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कप्तान से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ शीघ्र कठोर कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु, वरिष्ठ पत्रकार मोहन श्याम शर्मा, नितिन गौतम, अनिल सारस्वत, सुशील गोस्वामी, राज ठाकुर, गिरधर पचौरी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में पत्रकार के साथ न्याय करने की मांग रखी। इस मुलाकात के संबंध में कमलकांत उपमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जातून की रिपोर्ट। मामले में क्या चल रहा है, क्या मुलाकात हुई और क्या आश्वासन मिला है? आज पत्रकारों की तरफ से वरिष्ठ पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें अनिल सारस्वत, नितिन गौतम, सुशील गोस्वामी, मेरे साथ मोहन श्याम शर्मा और गिरीश ठाकुर आज एक दर्जन पत्रकार थे और इन्होंने कप्तान साहब ने बड़ी विस्तार पूर्वक पूरी घटना को सुना और पीड़ित सुरेश उपमन्यु के भाई इस वार्तालाप में साथ थे। प्रार्थना पत्र दिया गया है। कप्तान साहब ने इस घटना को सीरियस लिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस जांच को बरसाना स्थानांतरित कर दिया है और SPRA को समूचे प्रकरण की गहराई से जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसमें दूसरे पक्ष का कहना है कि CCTV वगैरह उसका गहराई से जाँच करेंगे और सभी तथ्यों को CDR वगैरह, मोबाइल की लोकेशन, सब कुछ उसमें जांच में शामिल होगा। और पुलिस की लापरवाही जो सामने आई है चौकी इंचार्ज और SO की, उस पर भी SPRA अपनी विस्तृत रिपोर्ट देंगे जांच करके, क्या लापरवाही रही या नहीं, आरोप है में दम है या सही ये है। तो हम सब लोग, कप्तान साहब ने आज जो विस्तृत जानकारी लेकर के तत्काल प्रभावी कार्रवाई की है, तो और फिर बाहर निकल के पीड़ित जो सुरेश उपमन्यु हैं उसे गाड़ी तक आए और वहाँ उनका हालचाल जाना और सुरेश से भी सारे कागज़ देखे, एक्सरे देखे, उन सबकी विस्तृत उससे जानकारी ली और भरोसा दिलाया पीड़ित सुरेश को कप्तान साहब ने बाहर आके उसकी गाड़ी में कि आपको न्याय मिलेगा। तो हमें कप्तान साहब पर पूरा भरोसा है। वो इस प्रकरण में पत्रकार के साथ हुई घटना का गहराई से जाँच करके संज्ञान लेकर के त्वरित जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। ये मथुरा में माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रस्तावित है, 6 और 7 तारीख का। इस संबंध में हमारे द्वारा और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। उनके आगमन और भ्रमण कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के घेरे में संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सभी अधिकारियों के संबंध में निर्देश दे। सर, मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या विशेष क्या कार्यक्रम रहेगा? उनका एक काफ़ी बृहद कार्यक्रम जो आया है। आज का विजिट उनका वृंदावन में है और कल का विजिट उनका महावन क्षेत्र में और बरसाना क्षेत्र में। इस संबंध में